हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। फिर आज मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा बोलेरो 2022 के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है महिंद्रा ने अनाउंस कर दी है। फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ जो नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा बोलेरो है फ्रेंड, इसके अंदर में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन फीचर्स के साथ जो है फोर्थ जनरेशन बोलेरो देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो महिंद्रा ब्रांड है वही अपनी बोलेरो के अंदर जो लेडर ऑन फ्रेम अंडरपिनिंग के साथ ही जो अपनी बोलेरो है वो कंटिन्यू करने वाली है। एंड इसके अंदर हमें 9 सीटर वेरिएंट भी जो है हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। मतलब जो महिंद्रा ब्रांड है वो बोलेरो के अंदर 9 सीटर वेरिएंट जो है वो जल्दी लेके आने वाली है। एंड इसके अंदर हमें और भी फीचर्स एंड जो स्पेसिफिकेशन है वो हमें रिवाइज देखने को मिलेंगे, एंड जो कुछ फीचर्स है वो मेन्यू देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर मैं इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें 1.5 लीटर डीजल इंजन जो है हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ ही जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अंदर हमें 75 BHP का पावर एंड 210 Nm का जो पीक टॉर्क है वो हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके सारे वेरियंट्स में जो है वो हमें ड्यूल एयरबैग, ABS, NABD जैसे फीचर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि महिंद्रा ने अभी अनाउंस किया है कि जल्दी वो अपनी बोलेरो का न्यू वेरिएंट जो है लेके आने वाली है। किस तरह के और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे वो भी प्रॉपर डिटेल्स जो है वो रिवील नहीं हुई है। एंड फ्रेंड, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमेटिव वीडियोज़ की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।